पहले तो बहुत बुरी हालत थी, रोटी खाने के भी लाले पड़े हुए थे। मजबूरी में हार के रिक्शे चला रहे। ऐसा हुआ मेरा काम बंद हो गया, उसके बाद में खाली बैठने का कोई फायदा है नहीं, कुछ या कुछ करेंगे वर्क करने के लिए, कुछ भी कर सकता है इंसान। हम लोग कमा नहीं पाए, खाने के लिए मुहताज हो गए हम लोग। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहत परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। हमारे को केजरीवाल जी ने 5,000 रुपए दिए तो उसमें भी बड़ा फर्क पड़ा हमें। हम लोगों को इतना परेशानियाँ झेलनी पड़ी भाई साहब कि हम लोग कमा नहीं पाए, खाने के लिए मुहताज हो गए हम लोग। परेशानियाँ ही हुई सबसे बड़ी। अभी भी काम हम लोगों का बराबर चल नहीं रहा है। लॉकडाउन खत्म तो जरूर हो गया लेकिन बिजनेस ठप हो गया। ठप हो गया? हाँ। इससे पहले भी आप रिक्शा ही चलाते थे? हाँ जी। आप कैसे गुजारा कर रहे हैं जब आप? अब ये कि काबिल सर जो कमाते हैं वही खा पी करके कोई हिसाब से गुजारा कर रहे हैं हम लोग। हाँ। बैटरी रिक्शा बुक लेने के लिए सोच रहे थे वो भी नहीं ले पाए। बहुत मुश्किल से गुजारा करा है। हाँ। बहुत परेशानी हुई थी, बहुत मुश्किल से गुजारा हुआ है। क्या 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 परेशानी आपको? खाने की परेशानी। हाँ ठीक है भैया। हाँ मैंने तो दिक्कत थी खाने की परेशानी, रोज हम रोज कमाने खाने वाले हैं। हाँ हमें काम की परेशानी। हाँ। गुजारा हमें बहुत मुश्किल से बच्चों का गुजारा करा हमने। कैसे गुजारा करा? क्या क्या आपको तकलीफ हुई? कैसे गुजारा करी? कभी चावल खा के कभी रुखी खा के ऐसे गुजारा करा। रिक्शा ही हम चलाते हैं तो हमारे पास कुछ चारा नहीं था। घर गए कर्जा उठा के अपने परिवार को बच्चे को किसी तरह खाना खिलाए रखे। मजदूर आदमी क्या करेगा? जो इंसान डेली कमाने वाला डेली खाने वाला है वो क्या कर सकता है? वो तो अपना कमाने का जरिया देखेगा कुछ ना कुछ। वही हमने किया। काम धंधा बंद हो गया था और स्कूलों में खाना बढ़ रहा था केजरीवाल जी की तरफ से, तो वहीं से ले आते थे और बच्चों का गुजारा करते थे। रिक्शा भी निकाल लेते थे, पुलिस वाले हवा निकाल देते थे, लेकिन फिर भी सबकी बातें सुनते हुए भी लेकिन दिल्ली पुलिस बहुत सहयोग दिया, बहुत सहयोग दिया। हमारा और रिक्शा प्रसाद नगर थाने का है, आप समझ लीजिए। और पुलिस वाले वहीं आकर के शमशान घाट भी है, रिक्शा हम शमशान घाट में लगा लेते थे, थोड़ी बहुत सवारियाँ वहाँ की मिल जाती थी, वहीं अपना कोने में जाके बैठे रहते थे। वो पूछते थे खाना मिला? नहीं मिला सर। तो थाने के अंदर से खाना आता था, खाना सर जो जो लंच में थाना पुलिस वालों को मिलता था वो जो है तो वो हम लोगों को बांट कर जाते थे। और भी लोगों को बोलते थे कि जा कर के खाना ले, जिसने ना खाया हो वो भी ले ले, जबकि बगल में स्कूल में खाना बढ़ता था, वो खाना अच्छा नहीं था। वाला 300 पैसे। 300 और ये बड़ा वाला? लॉकडाउन में तो हमारे को सिर्फ यही पे बैठ के हमने गुजारा निकाला। आटा कोई दे के जाता था हम बना के खा लेते। पूरा छः महीने हमने बच्चों को आटा निकाल के खिला के हमने दिन निकाला। हाँ कि सरकार से आपको कुछ मदद मिली थी उस दौरान? उस दौरान कुछ नहीं मदद मिली थी, सिर्फ एक ट्रेन फ्री मिला था, गांव ले गया, गांव ले जाने के बाद 15 दिन स्टील में क्वारंटाइन में रख के उसके बाद फिर बाहर निकाला, बोला पैसे मिलेगा, वो भी कुछ भी नहीं मिला। काफ़ी मदद मिली है हमारे को। क्या मदद मिली? अनाज भी मिला है, वैसे भी स्कूलों से खाना भी मिला है, सब कुछ मिला है। कोई परेशानी नहीं रही? नहीं कोई परेशानी, कोई नहीं, आराम से। सरकार की तरफ से केजरीवाल के तरफ से अकाउंट में कुछ पैसे आए थे। शाम के टाइम पुलिस की गाड़ियां आती थी, भैया अपने अपने नाम लिखा दो, सरकार की तरफ से किट आई है, तो वो किट में 5 किलो आटा 2 किलो चावल और सब्जी वगैरह होती थी, वो
वो मिलता था, घर का गुजारा मालिक के दिया से। दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा किया, चला लॉकडाउन में दे रहे थे पैसे 1000 रुपये महीना करके। हाँ, तो उससे खुश थे आप? उससे को 1000 रुपये में क्या होगा। सरकार से तो हाँ राशन बना हुआ था तो राशन मिलता था फ्री में। एयर खा लेंगे और क्या करेंगे, पूरी फैमिली एक साथ मर जाएगी। पूरी फैमिली एयर खा लेंगे और एक ही चाय में सोएंगे, काम बच्चे तो नहीं रोएंगे। तब सर तो रोड पे आ जाएंगे, तब तो और बुरा हाल हो जाएगा, तब ना घाट का ना बाट का कहीं के नहीं रहेंगे हम। जिससे पैसे लेके खाए हैं वो अभी दे देते तो कोई दिक्कत नहीं था, फिर ले लेते। अभी उसका पहला पूरा नहीं हुआ, अब लॉकडाउन लगा लेंगे तो हम लोग को ना वो पैसा देगा, समझो बहुत बुरा हालत हो जाएगा सर। लॉकडाउन लगा देगी सर तो फिर पहले की तरह ज़िंदगी हम लोगों की बेकार हो जाएगी। फिर हम लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे। अब की लॉकडाउन लगेगा तो वो परेशानी नहीं आएगी जो जो हम लोग झेल चुके हैं अचानक में जो हुआ। अब तो थोड़ा एक्सपीरियंस ही हो गया झेलने का, वो भी काम आएगा हमारे। हमारे जैसे तो मुश्किल ही हो जाएगा, हमारा ना तो घर है ना बाहर है, खाली यही है कि बस इसी से हमारा गुजारा चलता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।